हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 7 की। यस, गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन की जब भी बात आती है, यस, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों की इसके बाय करने की माइंड में थॉट चलता है। अगर जिन्होंने गूगल के स्मार्टफोन पहले यूज़ कर रखे हैं वो तो 100% इसे बाय करते हैं। जो न्यू यूज़र्स हैं गूगल के स्मार्टफोन को पहली बार अगर यूज़ करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी लिटरली गाइस बेटर होता है। यस, मैं अपने रियल थॉट से आपको रियल लाइफ में यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ। गूगल पिक्सल 7 में डिस्प्ले 6.3 इंच का फुल HD प्लस OLED का डिस्प्ले आपको देखने मिलता है। OLED यहाँ पर आपको बेटर देखने मिलता है AMOLED से, एंड यहाँ पर आपको सैमसंग डिस्प्ले से इन सब से बेटर देखने मिलता है। तो आपको 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ एंड 6.3 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले पर गेमिंग करने का एंड यहाँ पर आपको कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। यस, डे टू डे लाइफ में काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले रहेगा, यानी आउटडोर में यूज़ करोगे, इंडोर में यूज़ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पर भी। यस, HDR10 एंड वाइड वन L1 ओबियसली रहेंगे, DCI-P3 कलर गेमिट एंड 8-bit के कलर, उन सब का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको टॉप नॉच है गूगल पिक्सल 7 में। गूगल पिक्सल 7 को डिस्प्ले वाइज कंसिडर कर सकते हो। बिल्ड एंड लुक की बात कर लेते हैं। यस, किस तरह दिखेगा गूगल पिक्सल 6 सीरीज से। यस, काफ़ी डिफरेंट देखने मिलेगा। खाली गूगल पिक्सल 7, गूगल पिक्सल 7 प्रो में ओनली डिफरेंट इतना है कि ये गूगल पिक्सल 7 थोड़ा छोटा है, वो प्रो थोड़ा बड़ा है। प्रो में एक कैमरा फालतू का है। यस, एक कैमरा यानी अलग से ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। गूगल पिक्सल 7 में ओनली 2 कैमरा है बैक पैनल पर, ये फ़र्क है। उसके अलावा सब कुछ सिमिलर है, कलर, प्रोसेसर, डिस्प्ले सभी एक जैसे आपको देखने मिलते हैं। बिल्ड एंड लुक में गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलता है। बैक पर पॉलीकार्बोनेट। yes. आपको कलर की बात करूँ तो गाइस काफ़ी सारे कलर। यस, गूगल के स्मार्टफोन को अगर आपने पहले बाय कर यानी फ्लिपकार्ट पर या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी गए होंगे तो आपको पता होगा कि गूगल में के स्मार्टफोन ने कलर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। काफ़ी सारे ढेर सारे कलर वो अपने स्मार्टफोन में आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूज़र्स अपनी प्राइवेट के अकॉर्डिंग, यानी जो फीमेल हैं मेल हैं, अपनी प्राइवेट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो गाइस दोनों में ही सिमिलर चिपसेट यूज हुआ है, गूगल टेंसर 2 जनरेशन। यस, गूगल टेंसर 2nd जनरेशन का चिपसेट आपको देखने में मिल जाएगा। 4 नंबर बना हुआ चिपसेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के टक्कर का आप यानी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड कर सकते हो इसी स्मार्टफोन से। एंड्रॉयड 13 रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड यहाँ पर आपको 13, 14, 16, यस, इनका अपडेट आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के मामले में गूगल के स्मार्टफोन यानी हाई रैंक पर आपको देखने मिलते हैं, यानी उनकी सिक्योरिटी काफ़ी यानी गूगल की तरफ से टाइट की जाती है, जिससे हैकर के द्वारा जब आप गूगल पे, फ़ोन पे या आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, आप एक यानी आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी प्राइस को, तो आप गूगल के स्मार्टफोन की तरफ जाओ, सिक्योरिटी भर भर के देखने मिलेगी गूगल के स्मार्टफोन में। एंड यहाँ पर आप खुद कहोगे कि भाई इतना सबसे सिक्योर स्मार्टफोन है तो ओनली गूगल का। तो गूगल के स्मार्टफोन काफ़ी सिक्योर एंड सेफ होते हैं, तो बिकॉज वो तो गूगल की तरफ से बनाए जाते हैं। कैमरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया, ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने मिलता है बैक पैनल पर। 50 MP का प्राइमरी, 12 MP का अल्ट्रा वाइड। यस, एंड 50 MP का प्राइमरी कैमरे से आप यहाँ पर अच्छे खासे, यस, काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो कैप्चर कर सकते हो। एंड वहाँ पर आपको जो उनमें डिटेल देखने मिलेगी वो रियल लाइफ में आप यहाँ पर किसी और स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। फ्रंट पर पंचोल में, सेंटर पंचोल कटआउट में 12 MP का सेल्फी स्नैपर, ऑल कैमरा फिल्टर फीचर ऑब्वियसली देखने मिलेंगे। कैमरा के लिए हाईली रिकमेंडेड है, कैमरा के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होते हैं गूगल के स्मार्टफोन। प्राइस की बात है तो यहाँ पर आपको 55,000 रुपये के समथिंग इसकी प्राइस रहने वाली है। एंड जो इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है 100% कन्फर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके कि आपको प्राइस देखने मिलती है, वो वहाँ से चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने आप जल्द से बताना प्राइस के पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पेशन कैसे लगे आपको इसके। मैं मिलता हूँ आपसे फर्स्ट वीडियो में, तब तक लगाए सोली स्माइल एंड जय हिंद।